दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और हॉन्टेड लाइब्रेरी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपके समझ में नहीं आएगी। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गुल्ली और बुल्ली दोनों लाइब्रेरी पढ़ने के लिए जाते हैं और लाइब्रेरी में गुल्ली को एक किताब दिखती है और गुल्ली इस किताब को लेकर घर पर आ जाता है। लेकिन गुल्ली को पता नहीं होता कि एक हॉन्टेड किताब है और इस हॉन्टेड किताब की वजह से इन दोनों के पीछे एक शैतान भी आ जाता है। घर पे आने के बाद गुल्ली इस हॉन्टेड किताब को अलमारी में छुपा के रख देता है। इसके बाद गुल्ली और बुल्ली दोनों सो जाते हैं और कुछ डरावनी आवाज़ सुनने के बाद गुल्ली अंदर वाले कमरे में चला जाता है कि तभी थोड़ी देर बाद वो शैतान भी गुल्ली बुल्ली के घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद देखता है कि इनके घर का गेट तो बंद है और वो शैतान अपने खाली दिमाग से सोचता है कि इनके घर के अंदर कैसे जाया जाए। लेकिन उस खाली दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और उसे घर के अंदर जाने का तरीका मिल जाता है। फिर वो शैतान अपना रूप बदल लेता है और गुल्ली का रूप बना लेता है, क्योंकि शैतान को पता है कि इस हॉन्टेड किताब ने गुल्ली का क्या हाल किया है, इसलिए उसने गुल्ली का रूप बनाया है। इसके बाद वो घर की बैल बजाता है, लेकिन गुल्ली अभी भी सोया हुआ है। गुल्ली की ये घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। गुल्ली तो ऐसे गहरी नींद में सोया है जैसे वो दो पैक मार के सोया हो। फिर वो शैतान दोबारा बैल बजाता है, फाइनली बुल्ली अपनी गहरी नींद से उठ जाता है और वो उठते ही बोलता है, अरे कौन इतनी रात में भीख मांगने के लिए आ गया, रुक अभी बताता हूँ, सोने भी नहीं देते मुझे चैन से। इतना कहते ही बुल्ली घर के गेट के पास जाता है और घर का गेट खोलता है। जब वो घर का गेट खोलता है तो देखता है गेट पे तो गुल्ली होता है। फिर बुल्ली कहता है, अरे तुम इतनी रात को कहाँ गए थे, और तुम अगर बाहर गए थे तो ये गेट किसने बंद किया, और अगर तुम बाहर ही गए थे तो तुम बाहर ही सो जाते, तुमने मेरी नींद क्यों बर्बाद कर दी। फिर वह शैतान जो गुल्ली बना था वो बोलता है, अरे भाई बाहर से कुछ डरावनी आवाज़ें आ रही थी, जैसे ही मैं उस आवाज़ों को देखने के लिए बाहर गया तब तक ये गेट अपने आप बंद हो गया, लगता है ये गेट ख़राब हो गया है, ये अपने आप बंद होने लगा है। लेकिन बुल्ली को बिल्कुल भी शक नहीं होता कि ये गुल्ली नहीं एक शैतान है। फिर बुल्ली बोलता है, अच्छा ठीक है तुम सो जाओ और मुझे भी चैन की नींद सोने दो, और हाँ इस गेट को ढंग से लगा लेना, आपके ये खुल ना जाए। इतना कहने के बाद बुल्ली बेड के पास चले जाता है सोने के लिए। वहीं वह शैतान जिसने गुल्ली का रूप बनाया है वो उस वाले कमरे में चला जाता है जिस कमरे में हॉन्टेड किताब रखी है। लेकिन बाहर की तरफ तो रॉड खड़ा हुआ है और रॉड ने उस शैतान को रूप बदलते हुए देख लिया है और वो समझ गया है कि अब कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। लेकिन इस शैतान ने घर का गेट बंद नहीं किया है और बुल्ली को अभी तक नींद नहीं आई है। वहीं रॉड चुपके से आगे बढ़ता हुआ गुल्ली के बाहर वाले गेट की तरफ आ जाता है और वो बुल्ली को इशारा करता है। रॉड का ये इशारा देख के बुल्ली समझ जाता है कि गुल्ली और बुल्ली दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में है और वो तुरंत उठ के बैठ जाता है। इसके बाद वो अंदर वाले कमरे की तरफ झांक के देखता है और उसे वो शैतान अलमारी के पास खड़ा हुआ दिखाई देता है। इस शैतान को तो देख के बुल्ली घबरा जाता है और वो इशारों में रॉड से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई तरीका है इस शैतान को मारने का। रॉड मुंडी हिला देता है। फिर रॉड इशारों में पूछता है कि तुम्हारे पास कोई तरीका है क्या, हो सकता है बाबा ने तुम्हें कोई तरीका बताया हो या कोई हथियार दिया हो जिससे किसी भी शैतान को मारा जा सकता हो। याद करो बुल्ली, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, तभी हम गुल्ली को बचा पाएंगे और इस शैतान को मार पाएंगे। फिर बुल्ली अपने दिमाग पे जोर डालता है और उसे याद आता है कि बहुत सालों पहले बाबा ने उसे एक संदूक दिया था और बाबा ने कहा था कि इस संदूक में एक खंजर रखा है जो बड़े से बड़े शैतान का काम तमाम कर सकता है, और तुम लोग किसी भी मुसीबत में हो और मैं नहीं हूँ तो इस खंजर का इस्तेमाल करके तुम उस शैतान का काम तमाम कर सकते हो, लेकिन इस खंजर को
तुम्हें उसके सीने पे मारना पड़ेगा, जिससे वो शैतान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बाबा की ये सारी बातें बुल्ली को याद आ जाती है। फिर बुल्ली रॉड से इशारों में कहता है कि हाँ, मुझे तरीका पता है जिससे शैतान को मारा जा सकता है। इतना कहते ही बुल्ली बैट के पास चला जाता है। बैट के पास में ही वो संदूक रखा था जिसमें खंजर था। फिर बुल्ली उस संदूक को उठाता है और रॉड के पास लेके आ जाता है। रॉड के पास लाने के बाद उस संदूक को खोलता है और उसमें एक खंजर होता है। फिर बुल्ली रॉड से इशारों में कहता है कि तुम इस खंजर को लेके उस शैतान को मार दो और उसके सीने पे मारना, जिससे वो शैतान मर जाएगा। लेकिन रॉड मुंडी हिला देता है। वो कहता है, ना बाबा ना, मैं नहीं मार पाऊँगा। दूर से देखने में ही मुझे इतना डर लग रहा है, और अगर मैं इसके पास में गया तो मेरा तो सुसु ही निकल जाएगा। तुम ही देखो कि इस शैतान को तुम कैसे मारोगे। मैं तो भैया, मैं नहीं मार पाऊँगा। और अब बुल्ली समझ गया है कि रॉड तो इस शैतान को नहीं मार पाएगा, और अब इस शैतान को बुल्ली को ही ख़त्म करना पड़ेगा। फिर बुल्ली गुस्से में आ जाता है और उस खंजर को उठा लेता है और चिल्लाते हुए उस शैतान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो शैतान तुरंत पीछे मुड़ता है और बुल्ली पे हमला कर देता है। इस हमले से बुल्ली जमीन पे गिर जाता है और उसका खंजर भी बुल्ली के हाथ से छूट जाता है। और इसके बाद उस शैतान को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो शैतान बुल्ली पे हमला करने लगता है और बुल्ली उन हमले से बचने लगता है। अरे ये क्या हो गया, बुल्ली का हाथ तो इसके हमले से दब गया है और अब बुल्ली अपनी जगह से नहीं हिल सकता। फिर वो शैतान गुस्से में बुल्ली के पास जाने लगता है। बुल्ली के पास आने के बाद वो शैतान बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हमला करने की, अब देख मैं तुझे जिंदा निकल जाऊंगा। लगता है अब सबसे पहले ये शैतान बुल्ली को खाएगा। लेकिन ये खंजर तो रॉड के पास पड़ा है और रॉड के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा। फिर रॉड उस खंजर को उठाता है और शैतान के पीछे चला जाता है। अब जैसे ये शैतान बुल्ली को उठाने को होता है, तभी रॉड बोलता है, ओ बद्दी शकल वाले शैतान, इधर देख। ये सुनते ही वह शैतान पीछे मुड़ के देखता है और रॉड उस खंजर से उस शैतान के सीने पर वार कर देता है। लेकिन इस शैतान को तो कुछ भी नहीं हुआ और ये अभी भी खड़ा हुआ है। फिर बुल्ली बोलता है, अरे रॉड भाई, तुमने कैसे खंजर मारा है, ये शैतान तो अभी भी खड़ा है। और अगर ये शैतान नहीं मरा तो तुम्हारी और मेरी आज की रात आखिरी रात हो जाएगी। फिर रॉड उस शैतान के मुंह की तरफ देखता है और तभी इस खंजर के हमले से इस शैतान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस शैतान के शरीर के सारे हिस्से गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गुल्ली भी उस हॉन्टेड किताब से बाहर आ जाता है और वो हॉन्टेड किताब हमेशा के लिए गायब हो जाती है। और इस तरह से रॉड ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए गुल्ली बुल्ली दोनों की जान बचाई और उस शैतान को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, ये था गुल्ली बुल्ली और हॉन्टेड लाइब्रेरी का लास्ट पार्ट। ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप जल्दी ही मिलते हैं एक धमाकेदार नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।